So we start with the indices. Now in indices we say that when two or more numbers are multiplied together, the result is called the continued product. So when two or more numbers are multiplied together, अब दो या दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो टूगेदर तो जो रिजल्ट आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट. ईच नंबर separately is called factor of the product बोलते हैं. सो ईच नंबर जब आप सेपरेटली करते हो, ईच नंबर को जब आप सेपरेटली बोलोगे तो उसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट बोलते हैं. बट व्हेन अ प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ द सेम फैक्टर, सेम फैक्टर repeated several times, मतलब आपका जो product है वो अगर repeat हो रहा है factor में several times, then it is called power of the product. तो उसे हम power of the product बोलते हैं. तो सपोज अगर मैं बोलता हूं कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी हुआ, तो यहां पे ए बी सी को मैं बोलूंगा फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई जो सी है दैट विल बी कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज ईच नंबर सेपरेट है. बट जब मैं ये बोलता हूं कि ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, सो दैट मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट कंसिस्ट्स ऑफ सेम फैक्टर, मतलब ये फैक्टर्स है पर ये सेम फैक्टर है रिपीटेड सेवरल टाइम्स हो रहा है, तब इसे मैं बोलता हूं पावर ऑफ द प्रोडक्ट. तो दैट मींस कि यहां पे ए क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, इसीलिए ए का पावर 5 आ गया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर ऑफ द प्रोडक्ट बोलते हैं. तो जो इंडेक्सेस की शुरुआत थी वो यहां से हुई थी. नाउ तो वी मूव फर्दर दैट इफ अ नंबर suppose A is multiplied by itself n times, then n being a positive integer, then the continued product A multiply A multiply A multiply A dot 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 चलता गया n times तक is called as indices. तो उसको हम तब indices बोलते हैं. तो इसे it is written as
ए का पावर एन बोलेंगे, जहां पे ए का मतलब होगा बेस, एन एन को हम बोलते हैं पावर इंडेक्स, एक्सपोनेंट, डिग्री, तो हम ये सब चीजें बोलते हैं। हम पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, और इवन अगर हम ये सब भूल जाएं तो हम इसको लास्ट में क्या बोल देते हैं, रेज टू, दैट मीन्स ए रेज टू एन। अगर याद रह गया तो ए का पावर एन, ए का इंडेक्स एन, ए का एक्सपोनेंट एन, ए का डिग्री एन, नहीं तो सबसे अच्छा है अगर हम सब कुछ भूल जाए तो हम रेज टू भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब आप बोलो कि वे 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4, सो आई विल यूज टू से 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, दैट 4 इज मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स, या तो हम ऐसा बोलते हैं द 4 इज कितनी बार मल्टीप्लाइड हो रहा है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वी यूज टू से दैट 4 का पावर 6, या 4 का डिग्री 6, या 4 रेज टू 6 बोलते हैं। तो 4 यहां पे बेस हो जाएगा, 6 पावर में चला जाएगा। एंड इवन इफ यू से 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 ×
टू से दैट हाफ इज मल्टीप्लाइड सेवन टाइम्स, और यू कैन से वन हाफ का पावर सेवन हो गया. नाउ आई डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ इंडाइसेस. तो फर्स्ट लॉ है ए का पावर एम मल्टीप्लाई ए का पावर एम. तो यहां पे ए का पावर एम मल्टीप्लाई ए का पावर एन हो रहा है. सो दैट मींस कि यहां पे दोनों का बेस सेम है. तो जब दोनों का बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं. सो दैट मींस दिस विल बी रिटर्न एज ए का पावर एम प्लस एन हो गया. नाउ सेकेंडली, ये जो फॉर्मूलाज होती हैं इंडाइसेस की वो वाइस वर्सा है. वाइस वर्सा का मतलब है कि लेफ्ट से राइट हो सकता है यूज या राइट से लेफ्ट यूज हो सकता है. तो ऑल फॉर्मूलाज हम जो भी लॉज लिखेंगे वो वाइस वर्सा होगा. चलिए इसका एग्जांपल. तो अगर इफ मैं हैव गिवन यू टू का पावर फाइव मल्टीप्लाई टू का पावर क्यूब, सो दैट विल बी टू का पावर फाइव प्लस थ्री, सो दैट विल बी टू का पावर एट हो जाएगा. सेकेंड है ए का पावर एम डिवाइडेड बाई ए का पावर एन, सो दैट विल बी रिटर्न एज ए का पावर एम डिवाइडेड बाई ए का पावर एन. डिवाइड का मतलब ये हो गया, तो विच इज इक्वल टू ए का पावर एन. अब आप एम को ऊपर ले जाओगे, मतलब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाओगे, सो दैट विल बी इन माइनस, तब वो माइनस हो जाएगा. और अब आप इसको साथ में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस n, मतलब a का पावर m माइनस n विल बी रिटर्न. अब ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम देखेंगे तो हम ऐड करते हैं. अभी ऊपर आपने बोला कि सर कि आपको ऐड करना है, तो हाँ डेफिनेटली हम ऐड ही कर रहे हैं. a का पावर m प्लस माइनस n लिखूंगा, तो a का पावर m प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस n. तो इसीलिए मैंने ये डायरेक्टली यहाँ पे यही लिख दिया ए का पावर एम माइनस एन. इसका एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग यू टू का पावर फाइव डिवाइडेड बाई टू का पावर थ्री, सो दैट मीन्स टू का पावर फाइव मल्टीप्लाई टू का पावर माइनस थ्री हो जाएगा, विच विल बी रिटर्न एज टू का पावर फाइव माइनस थ्री, सो दैट विल बी टू का पावर टू. मुझे पता है आप लोग डायरेक्टली कर दोगे, भी टू का पावर फाइव है और टू का पावर थ्री, तो सर आपसे कैंसिल करके डायरेक्टली टू कर देते, पर मैंने ये मेथड से आपको बताया कि 2 का पावर 2 कैसे आता. तो दिस वाज द फॉर्मूला नंबर 2, दैट इज द लॉ ऑफ इंडाइसेस. वी टॉक अबाउट नाउ थर्ड. थर्ड है कि a का पावर m मल्टीप्लाई m, तो a का पावर m मल्टीप्लाई n है, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो
सो दैट विल बी ए का पावर एम एन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल कि अगर 2 का पावर 5 एंड क्यूब है सो दैट विल बी रिटर्न एज 2 का पावर 15 बिकॉज 5 एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट विल बी 15। फोर्थ फॉर्मूला, तो फोर्थ अब बोल रहा है कि रूट ए, और यहां पे मैंने एम रख दिया तो एम रूट ए बोलूंगा, तो एम रूट ए विल बी ए का पावर 1 अपॉन एम हो जाएगा। सो दैट मीन्स इफ आई एम गिविंग यू इन एग्जांपल फिफ्थ रूट 2, तो रूट हटेगा, रूट हटेगा तो मतलब रूट हट गया तो 2 का पावर 1/5 हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बी का पावर एम है, तब जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो दैट विल बी ए का पावर एम एंड बी का पावर एम, मतलब जो एम पावर है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट। सो दैट मीन्स कि व्हेन आई से 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5 एग्जांपल, इसका मतलब होगा कि 2 का पावर भी 5 है एंड 3 का पावर भी 5 है। टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ, ए अपॉन बी का पावर एम, सो दैट विल बी ए का पावर एम मल्टीप्लाई बी का पावर एम। अब आप ये मत सोचना कि सर इसको मैं ऊपर ले जाता हूं जैसे आपने फॉर्मूला नंबर 2 में किया था कि हम ये जो पावर एन था इसको ऊपर ले जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राइट नाउ ए और बी का बेस चेंज है, तो जब बेस चेंज है तो सुटेबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे तो क्या था कि बेस सेम था, ए ए सेम था, इसलिए हमने ऐसा फॉर्मूला नंबर 2 किया, बट इन दिस वी कैन नॉट डू बिकॉज द बेस इज डिफरेंट। सो एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 5, दैट इज 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 5 हो गया। लॉ नंबर 7, दैट इज ए रेज टू माइनस एम है, इसे पॉजिटिव करना है, इसे पॉजिटिव करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपॉन ए का पावर एम लिखते हैं। सो दैट मीन्स के इफ अगर आपको 5 का पावर माइनस 3 दिया है और इसे पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन 5 का क्यूब लिख दूंगा। टॉकिंग अबाउट द 8th पार्ट, अब 8 है कि a का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। 9, a का पावर m n है, मतलब पावर में है a का पावर m डिवाइडेड बाय n, पावर में है तो इसको हम स्प्लिट करते हैं। इसको हम स्प्लिट कैसे करते हैं, m मल्टीप्लाई 1 बाई n कर दिया, मतलब आपका जो m अपॉन n था आपने इसको स्प्लिट कर दिया, तो m मल्टीप्लाई 1 करोगे तो m ही आ जाएगा वापस, तो आपने भी इसको स्प्लिट कर दिया। नाउ आफ्टर स्प्लिटिंग दिस व्हाट यू डिड इज दिस इज आपको दे रखा था 1 बाई n, तो अगर आप देखोगे इस फॉर्मूला में आपने ऊपर फोर्थ में क्या किया था, a का पावर 1 बाई m था। अब मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड जाऊं तो अगर मैंने a का पावर 1 बाई m को लेफ्ट साइड में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, m रूट a हो जाएगा। तो सेम वे अब मैं यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करूंगा कि a का पावर m मल्टीप्लाई m 1 अपॉन n है, तो दिस विल बी n रूट a का पावर m हो जाएगा। इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से। इसका एग्जांपल अगर मैं ये देता हूं कि 5 का पावर 2 बाई क्यूब है, so this can be splitted and written as 5 का पावर स्क्वायर into 1 by 3। अब ये जो 1 by 3 है इसको क्यूब रूट में कन्वर्ट कर दिया, that is 1 by 3 can be written as क्यूब रूट 5, और ये था 5 का स्क्वायर तो स्क्वायर विल गो इनसाइड, so this can be written in this way। so 10th part, अभी 10th है कि if a का पावर x is equal to a का पावर y, सो देन हम क्या बोलेंगे, व्हेन बेस इज सेम इट कैन बी कंपेयर, देन पावर विल
ऑल्सो बी कंपेयर्ड, तो हम क्या करेंगे, पावर को भी कंपेयर करेंगे, तो दैट मीन्स ए का पावर एक्स इक्वल टू ए का पावर वाई है, तो इसका मतलब होगा कि बेस सेम है दोनों का। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तब एक्स इज इक्वल टू वाई बोलेंगे। तो दैट मीन्स कि जब ए का पावर एक्स इज इक्वल टू ए का पावर वाई है तो आप क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसका एग्जाम्पल है कि व्हेन आई से 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 2 का पावर x, तो तब आप क्या बोलते हो, फिर दोनों का बेस सेम है, 2 2 सेम है, तो भाई x की वैल्यू क्या होगी, तब आप बोलते हो x की वैल्यू तब 5 होगी, यू से इन दैट वे, तब क्योंकि 2 सेम है, 5 पावर है x के पावर में, तब आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू y। सो 11 कि इफ आई से दैट x सर का पावर ए, सो x का पावर ए इज इक्वल टू x का पावर बी, या आई से दैट नॉट x का पावर बी, आई से दैट y का पावर ए, चलिए तो x का पावर ए इज इक्वल टू y का पावर ए। सो नाउ इन दिस केस वी से दैट कि जब आपका पावर सेम है, तो जब पावर सेम होगा, व्हेन पावर इज सेम देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। एग्जाम्पल 2 का पावर 5 इज इक्वल टू एक्स का पावर 5, सो 2 का पावर 5 इज इक्वल टू एक्स का पावर 5, मतलब दोनों का पावर सेम। सो व्हेन पावर इज सेम तो यू कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया। ट्वेल्थ, इफ एक्स का पावर एम इज इक्वल टू के और मुझे चाहिए कि भाई एक्स इज इक्वल टू चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो अगर मुझे एक्स का पावर एम इज इक्वल टू के चाहिए तो इसका मतलब होगा कि एक्स का पावर एम इज इक्वल टू के और मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स के पावर में कुछ नहीं चाहिए, है एक्स का पावर में कुछ भी नहीं, मतलब मुझे एक्स के पावर में कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब मुझे एम को हटाना होगा, और ये एम को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 1/m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई किया 1/m से, तो दिस m एंड दिस m विल गेट कैंसिल, तो व्हाट आई विल गेट, x इज इक्वल टू k का पावर 1/m मिल गया। सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि अगर x इज इक्वल टू m, x का पावर m इज इक्वल टू k है, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का पावर 1/m हो जाएगा, क्योंकि तो आपने दोनों साइड 1/m रख के कैंसिल किया। अब उल्टा ये भी हो सकता है, इन 13 का अगर आप चेक करोगे तो इफ अगर मैंने एक्स का पावर 1/m दे दिया इज इक्वल टू के, तो अगर एक्स का पावर में मैंने 1/m दे दिया इज इक्वल टू के और मैंने बोला कि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जब उस केस में आप क्या करोगे भी, एक्स का पावर 1/m इज इक्वल टू के और मुझे एक्स इज इक्वल टू चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहां से एम हटाना पड़ेगा और उसको हटाने के लिए मुझे दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू के का पावर एम आ जाएगा। आई विल से दैट एक्स इज इक्वल टू के का पावर एम, तो उस टाइम पे आपका एक्स की वैल्यू चाहिए और एक्स का पावर जो 1/m है वो आप कैंसिल कर देंगे। क्लियर, तो ये थे आपके 13 लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो अगर मैंने बोला कि इसके अंदर में फॉर्मूला नंबर 12 में कि भाई वाई का पावर ए इज इक्वल टू के है और मुझे वाई चाहिए, सो दैट मीन्स वाई और ए को हटाना है तो मुझे उसे 1/a एंड के को भी मुझे 1/a से, दोनों साइड 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप ए और ए को कैंसिल कर सकते हो, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के का पावर 1/a। सेकेंडली इन 13 में भी वही होगा कि अगर मैंने y इज इक्वल टू 1/m इज इक्वल टू k दिया है और मुझे y चाहिए,
सो दैट मीन्स वाई का पावर 1 बाई m हटाने के लिए मुझे उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा कोई नंबर, तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई m करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू आई विल गेट k का पावर m. सो नाउ वी टॉक अबाउट द एलजेब्रिक आइडेंटिटी. सो इन एलजेब्रिक आइडेंटिटी में सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर. सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इन द सेम वे वी टॉक अबाउट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, 4. देन द फिफ्थ फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी. और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब. सिक्स ए माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी. इसका दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है, दैट इज ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब. सेवन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नाइन्थ फॉर्मूला कि अगर आपको दे दिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है. तो ये थे हमारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला. सो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ सिंगल पॉजिटिव इंडेक्स. ठीक है, नंबर 1 है कि एक्स का पावर -3/4 का पावर 5/3 है. सो इफ वी से दैट एक्स का पावर -3/4 का पावर में ही है 5/3. सो एक्स का पावर -3/4 मल्टीप्लाई 5/3 हो जाएगा. सो 3 एंड 3 विल गेट कैंसल. सो एक्स का पावर -5/4 हो जाएगा. पॉजिटिव में बोला था करने के लिए, क्वेश्चन में लिखा था पॉजिटिव इंडेक्स में चाहिए, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव इंडेक्स में करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो एक्स का पावर 5/4 हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 81 का पावर n मल्टीप्लाई 3 का पावर 5 माइनस 3 का पावर 4n माइनस 1, 243 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9 का पावर 2n मल्टीप्लाई 3 का पावर क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर n, 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 3 का पावर n. ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है.
सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था 81 का पावर n मल्टीप्लाई 3 का पावर 5 माइनस 3 का पावर 4 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 243 डिवाइडेड बाय 9 का पावर 2n मल्टीप्लाई 3 का पावर q माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर n 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 3 का पावर n और इसे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 81 है 81 को क्या करते हैं वी कन्वर्ट इट इनटू 3 के पावर में। तो अगर मैंने इसको 3 के पावर में कन्वर्ट किया तो दिस विल बी 3 का पावर हाउ मच 3 3 इज 9 9 3 इज 27 27 इनटू 3 81 होता है। सो दैट मींस 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई n हो जाएगा 3 का पावर माइनस 3 का पावर 4n मल्टीप्लाई 3 का पावर माइनस 1 मैंने इसको स्प्लिट कर दिया मल्टीप्लाई 3 का पावर अभी 243 को कन्वर्ट करते हैं 3 के पावर में तो 3 3 3 9 9 3 27 27 इनटू 3 81 81 इनटू 3 वी गेट 243 मतलब 5 आया। सो 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 9 को भी क्या करते हैं 3 में कन्वर्ट कर देते हैं 3 के पावर में तो 9 होता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2n होगा मल्टीप्लाई 3 का पावर क्यूब माइनस 4 को तो एज इट इज देखना पड़ेगा 3 का पावर n डिवाइडेड बाई इसको स्प्लिट कर दिया 3 का पावर n मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 माइनस 3 का पावर n। तो हमने क्या किया सबसे पहले सबको स्प्लिट कर दिया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं वी टेक आउट द कॉमन। इसमें हमने कॉमन देखा कि भी 3 का पावर 4n एंड 3 का पावर 4n कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकाल लिया और साथ में हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि भी 3 का पावर 5 एंड 3 का पावर 5 भी कॉमन निकल सकता है तो उसको भी हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 का पावर 4n एंड 3 का पावर 5 कॉमन निकाल दिया। तो जब आप कॉमन निकाल लोगे तब इसकी प्लेस पे मतलब अब इसका जो प्लेस है 3 का पावर 4n 3 का पावर 5 उसकी प्लेस पे आप क्या रख दोगे 1 क्योंकि आपने इसको कॉमन निकाला माइनस अभी 3 का पावर माइनस 1 है तो 3 का पावर माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज 1/3 इसको हमने पॉजिटिव में लिख दिया डिवाइडेड बाय अभी 3 का पावर 2n 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 का पावर 4n मल्टीप्लाई 3 का पावर q माइनस 4 3 का पावर n। अब आपने यहां से क्या किया 3 का पावर n एंड 3 का पावर n को कॉमन निकाल लिया तो आपने जब कॉमन निकाला तो दिस विल बी 3 का पावर n कॉमन तो 3 का पावर 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस और 3 का पावर n की जगह पे आपने 1 को लिख दिया। तो नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज विद 3 का पावर 4n एंड 3 का पावर 4n को कैंसिल कर सकते हो यहां से 3 का पावर n एंड 3 का पावर n भी कैंसिल हो सकता है 3 का पावर 3 है और 3 का पावर 5 है तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं और इसको कैंसिल करूंगा तो मैं इसके प्लेस पे क्या लिख दूंगा 3 का पावर 2 लिख देता हूं। अभी लॉजिक लगा लेते हैं भाई 3 माइनस 1 कितना होगा 2 होगा तो 3 माइनस 1 2 होगा तो 2 जो आप यहां लिखोगे ये कैंसिल होके यहां से 4 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। So that means what is 3 का square? 3 का square 9. अभी 1 में से 1/3 जाएगा तो हम सबको पता है it will be what? 2/3. 3 minus 1 LCM लेके minus 2. तभी क्या होगा 3 और 9 cancel हो जाएगा तो 3 2s are 6, 6 minus 2. तो you will get answer 4. तो इस sum का जो पूरा answer है वो आएगा 4. Moving towards the third sum. Third sum में बोला है so that x का पावर b डिवाइडेड बाय x का पावर c होल रेस टू a x का पावर c डिवाइडेड बाय x का पावर a होल रेस टू b मल्टीप्लाई x का पावर a डिवाइडेड बाय x का पावर b
होल रेज टू सी इज इक्वल टू वन, हमें शो दैट करना है, मतलब हमें प्रूव दैट करना है। ओके चलो प्रूव दैट करते हैं। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले लिख देते हैं एल एच एस, तो हमारा एल एच एस हमें क्या दे रखा है, हम वो लिख देते हैं। तो एक्स का पावर बी एक्स का पावर सी होल रेज टू ए मल्टीप्लाई एक्स का पावर सी एक्स का पावर ए होल रेज टू बी, एक्स का पावर ए एक्स का पावर बी होल रेज टू सी। सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो मतलब जो ये पावर है ए वो दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज एक्स का पावर बी ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए सी मल्टीप्लाई एक्स का पावर बी सी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए बी मल्टीप्लाई एक्स का पावर ए सी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी सी। Now what we'll observe over here is के x का पावर ए बी बोलो या x का पावर ए बी, मतलब बी ए बोलो या ए बी बोलो, आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दिस इज द मल्टीप्लाई साइन। x का पावर बी सी एंड x का पावर बी सी विल गेट कैंसिल, सो वन विल कम। x का पावर ए सी एंड x का पावर ए सी कैंसिल होके वन आ गया, तो दैट मीन्स वन अपॉन वन इज वन। तो और हमारे लेफ्ट राइट साइड में भी क्या बोला था आपको, वन। So therefore you can say that LHS equals to RHS, hence proved, क्योंकि आपको word था so that. So in question number 4 अब चलते हैं। अब question number 4 में देखते हैं कि 4 में क्या लिखा है। अब 4 में लिखा है कि अगेन आपको यहाँ पे so that करना है कि भाई x का power m divided by x का power n, और उसके power में आपको दे रखा है m plus n माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स का पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स का पावर एल एम प्लस एल माइनस वन, मतलब ये एल भी नहीं है और ये वन भी, मतलब क्या लेते हैं देखते हैं। एक्स का पावर एल है, मुझे एल ही लगता है, यस एल प्लस वन प्लस एम माइनस एन इज इक्वल टू वन बोला है। अब इसे हमें सो दैट करना है। So fourth, मैं लिखा गया था x का पावर m x का पावर n m प्लस n माइनस l x का पावर n x का पावर l ब्रैकेट n प्लस l माइनस l मल्टीप्लाई एक्स का पावर एल एक्स का पावर एम एल प्लस एम माइनस एम, तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्स का पावर एम, और अगर मैं एक्स के पावर एन को ऊपर ले जाऊंगा दैट मीन्स मैं इसे एन ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको अगर मैं साथ में लिखूं तो साथ में लिखूंगा तो ये कैसे हो जाएगा, m माइनस n लिख सकता हूं, और बाद में मैं क्या करता हूं कि इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब ये जो पार्ट था m प्लस n माइनस l वो अब यहां पे ऐसे लिख दिया जाएगा। सभी स्टेप्स को अब हम इसी तरीके से फॉलो करते हैं, सो दैट मींस कि x का पावर n और ये l ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n प्लस l माइनस m हो गया, x का पावर l माइनस m हो जाएगा, m ऊपर जाएगा एंड इट विल गेट मल्टीप्लाई टू l प्लस m माइनस n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इनके ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे सो नाउ दैट विल बी x m मल्टीप्लाई होगा भी इन सबको, जिसका मतलब दिस विल बी m स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम एल हो गया,
माइनस एन, अब ये माइनस एन सबको मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस एम एन माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन एल हो गया। अब आपको एक चीज का यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि भाई बेस सेम है ना, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो व्हेन बेस इज सेम और मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देंगे, मतलब अब इसको मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और कॉमन में मेरा एक्स आ गया नीचे बेस में। नाउ एन विल मल्टीप्लाई दिस ऑल, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन एल माइनस एम एन, और अब माइनस एल सबको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एल एन माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम एल हो गया। अब वापिस मैं प्लस करूंगा क्योंकि अब मैं इसको करूंगा सॉल्व, तो नाउ एल विल दैट मल्टीप्लाई ओवर हियर, तो दैट विल बी एल स्क्वायर प्लस एम एल माइनस एन एल, और माइनस एन अब इन सबको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एम एल माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एन। अब इसके अंदर में जो कटता है उसे आप काट दोगे तो एक्स, चलिए व्हाट वी ऑब्जर्व दैट एम स्क्वायर प्लस में है, तो प्लस एम स्क्वायर और ये माइनस एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस एम एन एंड माइनस एम एन कैंसल, माइनस एम एल एंड प्लस एम एल विल गेट कैंसल, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसल, प्लस एन एल माइनस एल एन कैंसल, प्लस एन एल माइनस एन एल कैंसल, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैंसल, माइनस एम एन प्लस एम एन कैंसल एंड प्लस एम एल एंड माइनस एम एल कैंसल, मतलब ऊपर पावर में क्या आ गया, जीरो। तो एक्स का पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन होता है, सो वी से दैट आर एच एस इक्वल्स टू वन, सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव हो गया। ओके तो फिफ्थ में भी हमें प्रूफ दैट ही करना था, हमने वन कर दिया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया एंड फिफ्थ। तो अभी फिफ्थ में भी यही लिखा है कि भाई एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का पावर में है माइनस ए बी मल्टीप्लाई एक्स का पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का पावर माइनस बी सी होल रेस टू बी माइनस सी, एक्स का पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का पावर माइनस सी ए होल रेस टू सी माइनस ए इक्वल्स टू वन, और हमें ये प्रूव दैट करना है। ओके चलो तो पहले फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। सो फिफ्थ में हमारा लेफ्ट साइड था एक्स का पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर माइनस ए बी होल रेस टू ए माइनस बी, एक्स रेस टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू माइनस बी सी होल रेस टू बी माइनस सी, एक्स रेस टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स रेस टू माइनस सी ए होल रेस टू सी माइनस ए, ये मेरा लेफ्ट साइड का। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी हो जाएगा, एक्स का पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊं माइनस बी सी को तो ये प्लस बी सी हो जाएगा बी माइनस सी, एक्स का पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी एंड ब्रैकेट में सी माइनस ए। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। आपने फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये रहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था हमारा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम वे एक्स का पावर दिस विल बी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, एक्स का पावर सो दिस विल बी फॉर्मूला सी क्यूब माइनस ए क्यूब। व्हेन बेस इज सेम पावर को ऐड कर देंगे, तो मैं पावर को ऐड कर देता हूं भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अभी क्या होगा, ए क्यूब एंड माइनस ए बी क्यूब कैंसल, प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब कैंसल, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसल, तो एक्स का पावर जीरो, तो एक्स का पावर जीरो इज इक्वल टू वन आ जाएगा। और हमें यही प्रूव करना था, तो आर एच एस इक्वल्स टू वन हो गया, सो देयरफॉर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हम लोग लिख देंगे, हेंस प्रूव हो गया। सो क्वेश्चन नंबर फाइव भी हमारा हो गया, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो इन क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा है सो दैट वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर बी माइनस ए प्लस एक्स का पावर सी माइनस ए प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर ए माइनस बी प्लस एक्स का पावर सी माइनस बी प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर ए माइनस सी प्लस एक्स का पावर बी माइनस सी इज इक्वल टू वन। अब हमें इसको सो दैट करना है, प्रूव दैट करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सिक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर बी माइनस ए प्लस एक्स का पावर सी माइनस ए प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर ए माइनस बी डिवाइड प्लस सी माइनस बी प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर ए माइनस सी प्लस एक्स का पावर बी माइनस सी। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हमें राइट हैंड साइड पता है कि राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल टू वन है। सो नाउ ओवर हियर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर बी मल्टीप्लाई एक्स का पावर माइनस सी प्लस एक्स का पावर सी मल्टीप्लाई एक्स का पावर माइनस सी। मैंने पहले क्या किया, जो माइनस था उसको स्प्लिट, मतलब उसको एक्स के ऊपर स्प्लिट कर दिया। सो नाउ कैन आई से दैट वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए हो गया। तो आपने जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, दिस इज माई फर्स्ट पार्ट। सो वन अपॉन, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, एक्स ए एक्स ए का एलसीएम ले लोगे डिनोमिनेटर में, तो दिस एक्स ए एक्स का पावर ए विल मल्टीप्लाई वन, तो एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी। सो नाउ दिस वन एक्स का पावर ए ऊपर वन के पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी। तो जो प्रोसेस हमने फर्स्ट स्टेप में किया वही प्रोसेस अब हम बाकी सब में करेंगे। सो नाउ दैट विल बी प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर ए मल्टीप्लाई एक्स का पावर माइनस बी प्लस एक्स का पावर सी मल्टीप्लाई एक्स का पावर माइनस बी प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर ए, एक्स का पावर माइनस बी को पॉजिटिव करेंगे तो इसको लेके नीचे एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी कर दिया प्लस वन अपॉन, नाउ अगेन यू हैव टेकन द एक्स का पावर बी
अब एक्स का पावर बी ऊपर आप वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर सी। सो नाउ व्हाट विल हैपन दैट एक्स का पावर बी जो है वो वन के पास चला जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, तो दैट मीन्स यू से दैट एक्स का पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी। मैंने जो नीचे था उसको एडजस्टमेंट कर दिया क्योंकि तीनों प्लस है तो हम उसको आगे पीछे लिख सकते थे। सेम वे आई डिड विद दिस, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स का पावर ए मल्टीप्लाई एक्स का पावर माइनस सी प्लस एक्स का पावर बी मल्टीप्लाई एक्स का पावर माइनस सी प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का पावर ए, और जो माइनस सी था वो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स का पावर बी है पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर ले गए, वन डिवाइडेड बाई देन वी टेक डाउन द एलसीएम ऑफ एक्स का पावर सी। अब एक्स का पावर सी वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का पावर सी प्लस एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज कि एक्स का पावर सी ऊपर चला जाएगा वन के पास, सो इट विल बी प्लस एक्स का पावर सी अपॉन एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी हो गया। तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि यहाँ पे एक्स का पावर ए जो था एक्स का पावर बी प्लस सी, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस सी, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस सी, ये सब क्या थे? सेम थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिनोमिनेटर था वो सेम हो गया मेरा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ डिनोमिनेटर में, तो माय डिनोमिनेटर विल बी एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी। तो ये आ जाएगा एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी एंड एक्स का पावर सी, ये सब कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू वन। वी से दैट एल एच एस इक्वल टू वन, आर एच एस इक्वल टू वन, सो देयरफॉर हेंस इट इज प्रूव दैट एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। सो टू का पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री का पावर वाई इज इक्वल टू सिक्स का पावर जेड, हम करेक्शन करेंगे so that z is equal to x y upon x plus y होता है, done। तब इसको हम प्रूव करते हैं, so that करना है इसके लिए। so in question number 7 में you have been given 2 का power x is equal to 3 का power y is equal to 6 का power z, और so that करना। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सो दैट से पहले कि मैं इसको इक्वल टू के कर देता हूँ। सो इसका मतलब होगा ये 2 का पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। मुझे सिर्फ 2 की वैल्यू चाहिए, मतलब कि मुझे यहाँ से एक्स को हटाना होगा, और एक्स को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा 1/x से, तो मतलब के भी किससे मल्टीप्लाई होगा, उसके पावर में 1/x से मल्टीप्लाई होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। आई विल गेट 2 इज इक्वल टू के का पावर 1/x। इन द सेम वे इफ आई से 3 का पावर वाई इज इक्वल टू के, और मुझे सिर्फ 3 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है कि 3 का पावर वाई जो है तो उसको मैं दोनों साइड 1/y से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वाई एंड वाई विल गेट कैंसल, तो आई विल गेट 3 का पावर के 1/y। नाउ 6 का पावर जेड इज इक्वल टू के हो जाएगा, तो 6 का पावर z विल गेट मल्टीप्लाई 1/z, मतलब k का पावर भी 1/z होगा, तो कैंसिल हो गया, तो 6 इज इक्वल टू k का पावर 1/z आ गया। सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैंने 6 लिखा है इसके फैक्टर्स करता हूं, तो मैं 6 के फैक्टर्स करूंगा। सो 6 क्या हो जाएगा, अब इसके फैक्टर्स कर दिए तो 6 के फैक्टर्स होंगे 2 × 3 इज इक्वल टू के का पावर 1/z। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि जो मेरा वैल्यू था 2 का, तो 2 का मेरा क्या वैल्यू है भाई, यहाँ पे k का पावर 1/x, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3 है तो 3 की क्या वैल्यू थी मेरी, k का पावर 1/y सब्स्टिट्यूट कर दिया इज इक्वल टू k का पावर 1/z हो गया। सो नाउ ओवर हियर व्हेन बेस इज सेम पावर कैन बी एडेड, तो बेस सेम था तो मैंने पावर को ऐड कर दिया विच इज इक्वल टू के का पावर 1/z। सो नाउ व्हाट वी डिड ओवर हियर, व्हेन बेस इज सेम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, हमने ऐसा पढ़ा है कि व्हेन बेस इज सेम पावर कैन बी कंपेयर्ड इन फॉर्मूला नंबर 10 में पढ़ा था, तो
फॉर्मूला नंबर 10 के हिसाब से हो गया 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by z। आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लिया तो एक्स वाई वाई विल गेट मल्टीप्लाई बाई 1 एंड एक्स विल गेट मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 1 by z। नाउ कैन आई डू द इनवर्स ऑफ दिस? अगर मैंने इसका इनवर्स कर दिया तो इसका मतलब यानी क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, उसे कहते हैं इनवर्स, तो जेड अपॉन वन। और मुझे सो दैट यही करना था कि भाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, और ये हमने सो दैट कर दिया।